पूरी ताकत लगाई कांग्रेस तो 99 पे जाके अटक गई। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सांसद जिता करके लाई। कितने? देखिए हमको और अधिक खुशी होती अगर हम 272 प्लस होते। अब या तो विश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, इस बार हम लोग चूक गए, लेकिन अब फिर कभी नहीं चूकेंगे। श्री राहुल गांधी जी की गरीबों के हमदर्द, देश के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी से उनकी तुलना हो सकती है क्या? अब पूरी ताकत लगाई कांग्रेस तो 99 पे जाके अटक गई। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सांसद जिता करके लाई। कितने? देखिए हमको और अधिक खुशी होती अगर हम 272 प्लस होते। इसका मलाल हमें भी है, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी है कि नहीं? मोदी जी को हिंदुस्तान कमजोर देखना नहीं चाहता। देश का पिछड़ा वर्ग तो अनुसूचित वर्ग, आदिवासी वर्ग तो किसी भी कीमत पर मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। बताओ सही है कि नहीं? लेकिन इस बार हम लोग चूक गए, लेकिन अब फिर कभी नहीं चूकेंगे। तैयार हो इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती, सबको सम्मान देती है। अन्यथा न तो केशव प्रसाद मौर्य उपमंत्री के रूप में यहां पर आपके बीच में होता और न नरेंद्र कश्यप जी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री, दोनों जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? तो आज ओबीसी वर्ग का जो इतना जबरदस्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है, अगर यह प्रतिनिधित्व जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हैसियत में थी उस समय देती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सपा की सरकार रहते हुए 73 लोकसभा सीटें 2014 में जीत पाती क्या? अगर इन्होंने पिछड़ों का हक 2012 से 2017 के बीच में दिया होता, तो क्या 2017 में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ 325 विधायक जिता पाते क्या? 2014, 2017, 2019, 2022 जीत का चौका लगा चुके हो और पांचवी जीत भी ठीक है, थोड़ी सीटें झूठ बोल करके गुमराह करके इसलिए ये दल ले गए, क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी। अब या तो विश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे, सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है।